स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। बहुत बदल चुकी है सुहाना। शादी से पहले की सुहाना को आप लोगों ने नहीं, मैंने देखा है। वो तो कोई और ही थी। जीने का अंदाज, रहने का ढंग, सब कुछ अलग था। मैं रहा हूं उसके घर में, उसकी सुबह और शाम देखी है मैंने। बहुत मुश्किल था उसके लिए उस जिंदगी को छोड़ के इस जिंदगी को जीना, पर यह कभी उसने आप लोगों से इस बात की शिकायत की? जो लड़की अपनी कार तक शेयर नहीं करती, वो आज इस घर में एक कॉमन बाथरूम से खुश है। उसकी हर शाम पार्टीज और दोस्तों के साथ गुजरती थी, और आज अपने रूम में एक टेडी बेयर से बात करके खुश है वो। और सबसे बड़ी बात, सुहाना ने आप लोगों को नहीं चुना है, आप लोगों ने सुहाना को चुना है। छोटी भाभी बस कीजिए ना रोना। नहीं रहा था क्या? सुहाना से मैंने गलत बात की है, तुम्हें पता है? आज भी आलोक माँ और बाबूजी को बिना बताए घर के बाहर नहीं जाते, और इंदर इलेश कोई भी बिना बताए घर के बाहर गया है क्या कभी? और ये रजनी दिशा, मजा ले इन दोनों की जो घर से बाहर चली गई हो। क्या तुम लोगों को घर यही जेल लगा क्या कभी? हाँ राधा, हमने कभी किसी की आजादी छीनने की कोशिश की है? छोटी भाभी, आप सुहाना की बातों को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही हैं? बताइए, आप तो जानती हैं ना, वो सोचती कुछ है, कहती कुछ है और करती तो कुछ और ही है। तो आप रोना बंद। और कितनी आजादी चाहिए उस लड़की को राधा बुआ? वैसे भी हमेशा अपनी मर्जी तो चलाती है वो। और सुहाना छोटी मामी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? हाँ, इतनी तमीज तो होनी चाहिए ना। क्या आज तक उसकी समझ में नहीं आई ये बात कि इस घर में बड़ों को इज्जत कैसे दी जाती है? अगर वो चाची जी से इस तरह बर्ताव कर सकती है तो हमसे तो। और कितना किया छोटी मामी ने उसके लिए, लेकिन देखना दी, अभी सुहाना से कोई कुछ नहीं कहेगा। ओफो, तुम लोग चुप रहो, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? और तकलीफ हो रही है ना छोटी भाभी को, जाओ अपने कमरे में जाओ। राधा बुआ, ये बात छोटी नहीं है। कितना प्यार करती है चाची जी उसे, और उसका ये सिला दिया उसने इनको। क्या नहीं किया छोटी मामी ने उसके लिए? रसोई में काम नहीं करने देती है, कमरे में एसी तक लगवा दिया ताकि सुहाना को आराम मिले। और नहीं तो क्या, आप भी जानती है ना कि चाचा जी से कितनी मिन्नत करनी पड़ी थी चाची जी को एसी के लिए। सुबह शाम बस ये सुहाना के बारे में सोचती रहती है। क्या लगता है उसे कि वो अपनी मर्जी से आ जा सकती है? ये घर है या होटल? उफो, बस करो तुम लोग, आप तो जानती है ना, तुम लोग जानते हो ना उसमें बचपना है। बस राधा बुआ, थक गई ये बात सुन सुन के। माना कि उसमें बचपना है, लेकिन बेवकूफ तो नहीं है ना? बड़ों की इज्जत करने की तमीज तो होनी चाहिए ना उसमें। हाँ बुआ, सुहाना को इतने महीने हो गए हैं इस घर में, अब तक तो एक 5 साल का बच्चा भी इस घर के तौर तरीके समझ जाता। लेकिन वो है कि हमारे हिसाब से चलना ही नहीं चाहती। भाभी, सुहाना ने भी बहुत एडजस्ट किया है। मैं जानता हूं शादी के बाद हमारे लिए कितना बदला है सुहाना ने खुद को। सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं सुहाना। हमने क्या कुछ नहीं प्लान किया था। मैं सारा दिन काम करके शाम को तुम्हारे पास आया करूंगा।
सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। और अब तुम्हें ईशान के घर में पता नहीं कितनों की भीड़ में रहना पड़ रहा है। मेरा जब मन करेगा मैं बाहर जाऊंगी, मेरा जब मन करेगा मैं बाहर नहीं जाऊंगी। क्यों पूछो मैं? क्योंकि ये एक घर है सुहाना, जहां पर एक परिवार रहता है, एक साथ एक छत के नीचे, और तुम इस परिवार का हिस्सा हो इसीलिए। Just imagine सुहाना, शादी के बाद सिर्फ मैं और तुम रहते और कोई नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई बच्चा नहीं, अपनी मर्जी, अपना स्टाइल, no hesitation, no rules. इस घर के कायदे कानून का पालन तुम्हें करना होगा, जैसे सब लोग करते हैं। आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी बिना बताए, बस। I love you, Swana. Please come back to me. आज भी तुम बिना बताए बाहर चली गई? शादी के बाद सिर्फ मैं और तुम रहते। तुम्हारी मर्जी इस घर में हमेशा नहीं चलेगी, समझे तुम? अपनी मर्जी, अपना स्टाइल, no hesitation, no rules. इस घर के कायदे कानून का पालन तुम्हें करना होगा, जैसे सब लोग करते हैं। Restaurants, parties, vacations. बहुत बदल चुकी है सुहाना। शादी से पहले की सुहाना को आप लोगों ने नहीं, मैंने देखा है। वो तो कोई और ही थी। जीने का अंदाज, रहने का ढंग, सब कुछ अलग था। मैं रहा हूं उसके घर में, उसकी सुबह और शाम देखी है मैंने। बहुत मुश्किल था उसके लिए उस जिंदगी को छोड़ के इस जिंदगी को जीना, पर यह कभी उसने आप लोगों से इस बात की शिकायत की? जो लड़की अपनी कार तक शेयर नहीं करती, वो आज इस घर में एक कॉमन बाथरूम से खुश है। उसकी हर शाम पार्टीज और दोस्तों के साथ गुजरती थी, और आज अपने रूम में एक टेडी बेयर से बात करके खुश है वो। और सबसे बड़ी बात, सुहाना ने आप लोगों को नहीं चुना है, आप लोगों ने सुहाना को चुना है। तो हमें अपनी गलती की सजा भुगतनी चाहिए, है ना? बस करो, बहुत हो गया। क्यों बेकार की बहस कर रही हो? बकवास बातें हैं सब। ईशान, तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं राधा बुआ, इसे भी सुनना होगा। अपनी बीवी की तरफदारी में इतनी सारी बातें कर रहा है, तो सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना चाहिए ना इसे। तुम जानते हो ईशान, आज तुम्हारी सुहाना ने क्या किया? उसने चाची जी की बेइज्जती की, उनसे ऊंची आवाज में बात की। ईशान, सुहाना ने हमें भी बहुत तकलीफ पहुंचाई है, हमारा भी बहुत दिल दुखाया है, लेकिन हम चुप रहे सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें ठेस ना पहुंचे, ताकि सुहाना तुम्हें छोड़ के ना जाए। नहीं भाभी, मेरे लिए आपको सहने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं है। आप सुहाना को जितना डांटना चाहे डांटिए, जैसे रखना चाहे रखे इस घर में, अपने तरीके से, अपने हिसाब से। वो मुझे या इस घर को छोड़ के नहीं जाएगी। मैं जानता हूं वो नहीं जाएगी।
लटकी हुई है, दिखा मुझे। ये क्या मिठी, अभी तक 3 ही लाइनें लिखी हैं और उसमें भी 4 स्पेलिंग गलत। मम्मी ने देख लिया ना कि 3 लाइनों में 4 स्पेलिंग गलत लिखी है तो बहुत पिटाई करेंगी। हाँ ये क्या मिठी, तू बार बार शॉपनर लेके क्यों बैठ जाती है? होमवर्क खत्म कर अपना चुपचाप। मुझे पानी पीना है। चुप, अभी पिया था ना थोड़ी देर पहले पानी, फिर से प्यास लग गई तुझे? प्लीज वाह मुझे पानी। मिठी, मम्मी ने देख लिया ना तू पानी पीने गई है और फिर बहुत पिटाई करेंगी, रोते हुए मेरे पास मत आना। पता है ना आज मम्मी कितने गुस्से में है, फिर भी तुझे बाहर जाना है। मम्मी तो झूठी चाची पे गुस्सा है, सब नाराज है छोटी चाची से, और छोटी दादी भी रो रही थी। ऐसा क्या किया छोटी चाची ने, सब नाराज है उनसे। बताइए ना उन्होंने क्या किया, बताइए ना प्लीज, बताइए ना। मुझे नहीं पता। मिठी सुन, तुझे भी ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, देर हो रही है ना मिठी, चल जल्दी से अपना होमवर्क खत्म कर ले। हाँ ये ऐसे नहीं, क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, खेल हो रहा है। देखिए ना चाचू, इशिका बुआ मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। इशिका, अरे खेलने कूदने के दिन है उसके, जाने देना उसे। भैया इशिका, अरे क्या हुआ, सब सब ठीक तो है ना इशिका? भैया वहां वहां माँ, भाभी रजनी, भाभी राधा बुआ, दिशा भाभी। अरे पर हॉल में तो कोई नहीं है, ना दीशु है, ना भाभी है, ना राधा हुआ है। देखो ईशु रोना नहीं, क्या हुआ? ईशान भैया, ईशान, ईशान ने कुछ किया? क्या किया उसने? हाँ सुहाना, फिर से क्या कर दिया इस लड़की ने? क्या किया पता, क्या हुआ? सुहाना भाभी ने माँ माँ से माँ से बहुत गुस्से में बात की। अपनी बीवी की तरफदारी में इतनी सारी बातें कर रहा है तो सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना चाहिए ना इसे। मेरी शादी किसी हैंडसम रिच स्मार्ट लड़के से होने वाली थी, लेकिन मेरी शादी तुमसे हो गई। घर की फिक्र है तुम्हें? ऑब्वियसली, इतना प्यारा घर है, यहाँ पर टेंशन नहीं होनी चाहिए। सच तो यह है सुहाना कि तुम्हें अपने अलावा और कुछ नहीं सोचता। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए। मुझे कुछ नहीं समझना, क्या आज तक कभी तुमने हमें समझने की कोशिश की है? आप ना प्लीज मत मरिएगा। अरे इतना प्यार करती है अपने दादा से। दादाजी आई एम सो हैप्पी दैट यू आर ऑल राइट। तुम जानते हो ईशान आज तुम्हारी सुहाना ने क्या किया? उसने चाची जी की बेइज्जती की, उनसे ऊंची आवाज में बात की। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।